दोस्तों चटपटी रसोई में आपका स्वागत है। आज चटपटी रसोई में हम बनाएंगे मटरे बर्गर, मसाला मटरे बर्गर, वो भी चीज मिक्स करके। तो यहाँ मैंने ये मटरे हैं येलो वाले, तो इनको लेकर मैंने बॉईल कर लिया है। देखिए इनको दबाने पर ये एकदम इस तरीके से पिचक जा रहे हैं, तो इतना ही हमें इनको बॉईल करना है। अब मैं इसका पानी बिल्कुल साइड निकाल कर और इनको मैं मैशअप कर लेती हूँ तरीके से। सभी जो हमारे मटरे हैं वो पूरी तरीके से एकदम घुले हुए घुट जाने चाहिए, तो इस तरीके का मैं इसका मैशअप अब बना लेती हूँ। पहले यहाँ देखिए पैन में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर एक आलू को कस कर और एक बार उसे धो लिया था, और इस तरीके से उसके जो लच्छे हैं आलू के वो मैंने यहाँ पर पैनकेक की तरह इसमें छोटे छोटे डाल दिए हैं। इनको हम एकदम करारा करेंगे। दोनों देखिए गोल्डन ब्राउन एकदम क्रिस्पी हो गए हैं, तो अब हम इनको साइड में निकाल लेते हैं। अब इस ऑयल में हम डालेंगे प्याज और हरी मिर्च, तो फ्राई कर लेते हैं। गैस को मैं थोड़ा सा लो कर देती हूँ। हम इसमें डाल रहे हैं एक शिमला मिर्च और एक 1 टेबल स्पून कटा हुआ टमाटर है ये। सभी को मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें डालते हैं हमारे मटरे जो मैंने मैश कर दिए हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से। देखिए मैंने मैश किया है इनको, और आज मैं दो ही बर्गर बना रही हूँ, तो मटरे मैंने एक्स्ट्रा तैयार किए हैं, तो हम इतना ही मसाला भी तैयार कर रहे हैं जो हमारे दो बर्गर के लिए सफिशियंट हो। अब हम इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भाप में पकने देंगे। अब हम इसमें ऐड करते हैं मसाले। मसाले में जा रहा है हल्दी, लाल मिर्च, तीखा अच्छा चटपटा हम बनाने वाले हैं इसको, थोड़ा सा धनिया, और ये है मैगी मसाला। साथ में ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, और डलेगी इसमें आमचूर, और साथ में ही मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून इसके अंदर वाइट विनेगर, आप यहाँ पर चाहें तो इमली का भी हम पानी यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर इमली की चटनी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी जब हम मैश कर रहे हैं तो तब भी जो मटरे हैं वो बिल्कुल इसके अंदर मैश हो जाएंगे, और पता नहीं चलेगा कि क्या है ये मसाला, किसका बना हुआ है। बिल्कुल इस तरीके से तरीके से हमें इसे मैश कर ले। 1 टेबल स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, ये इसका कलर बिल्कुल ही बदल देगी। अब देखिए बर्गर को मैंने ऐसे बीच में से कट कर लिया है, और इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर अब आप बटर या घी भी ले सकते हैं, मैंने घी लिया है, बटर भी इसकी जगह लिया जा सकता है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं दोनों साइड से। देखिए मैंने दोनों बर्गर यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर रखेंगे एक चीज स्लाइस,
यम्मी टेस्टी बनने वाला है ये, बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और मसालेदार चटपटा। जब कभी भी हमें लगे कि हमारे मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया है तो आप भी ऐसा बर्गर ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं साइड कर देती हूँ। फिर देखिए फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देते हैं ताकि हम इसकी अच्छे से स्टफिंग कर सकें। और अब जो मसाला हमने बनाया था सबसे पहले रखेंगे ये टिक्की, और टिक्की के ऊपर जो मसाला हमने तैयार किया उसको भी इस तरीके से टिक्की के फॉर्म में हम हाथ से बनाकर और इसको भी इसके ऊपर कर देते हैं। अब इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा ये प्रोसेस्ड चीज़ है दोनों पर, इसे कवर थोड़ा सा दबाते हुए हमें इसको कवर करना है। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा दबा देंगे तो वो मसाला है वो दब जाएगा और चारों तरफ पूरा अच्छे से फैल जाएगा। ऊपर से भी हम लगा देंगे थोड़ा सा चीज, और इसको कवर कर देते हैं। देखिए दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गए हैं, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है और हमारे चीज़ी मसाला बर्गर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। वाओ क्या खुशबू आ रही है इसमें से, और चीज़ तो बिल्कुल अट्रैक्ट ही कर रहा है। तो दोस्तों चीज़ी बर्गर मटरे से बनकर बिल्कुल तैयार है और ये बिल्कुल डिफरेंट है टेस्ट में। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा क्योंकि इसकी जो फीलिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ऐसी मटरे की फीलिंग वाला हम जल्दी से नहीं खाते हैं और ना ही हमने ट्राई किया हुआ होता है। तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा। रेसिपीज़ मेरी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।